हेलो दोस्तों, मैं हूं कादर और आप देख रहे हो मेरे चैनल ऑनेस्ट टीवी। तो दोस्तों, आज हम लोग पांच ऐसी खतरनाक मूवी के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को पूरा पागल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं हर रोज आप लोगों के लिए ऐसा ही नया नया वीडियो के बारे में बताता रहता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे ही मेरा साथ देंगे तो और भी मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला मूवी का नाम है मॉन्स्टर हंटर। ये मूवी एक्शन फैंटेसी पे बेस्ड है और इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा 44 मिनट। तो कहानी शुरू होता है नैथलिन और उनका मिलिट्री टीम से। मूवी में दिखाया जाता है कि नैथलिन के टीम को एक गायब हो चुका मिलिट्री टीम को ढूंढने का मिशन मिलता है और नैथलिन के टीम उस मिलिट्री टीम को ढूंढते ढूंढते नैथलिन की टीम भी गायब हो जाता है। वो लोग एक न्यू वर्ल्ड में चला जाता है और उधर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होता है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि नैथलिन की टीम कैसे न्यू वर्ल्ड में चली जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में बहुत मॉन्स्टर दिखाया गया है, इस मूवी को कभी मिस मत करना। तो नैथलिन कैसे सरवाइव करके अपनी घर जाती है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को मॉन्स्टर हंटर देखना पड़ेगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.2/10। तो हमारा अगला मूवी का नाम है ट्रॉल। ये मूवी एडवेंचर पे बेस्ड है। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा 41 मिनट। तो मूवी की कहानी शुरू होता है ट्रॉल नाम का एक दानव से। तो मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक पहाड़ एक दानव में बदल जाता है। तो उस दानव का नाम दिया गया है ट्रॉल। फिर ट्रॉल मूवी में क्या क्या तबाही करता है और उसको कौन रोकता है, ये सब जानने के लिए आप लोग को ट्रॉल देखना पड़ेगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.8/10। तो हमारा अगला मूवी निकल के आता है द साइलेंस। ये मूवी हॉरर थ्रिलर पे बेस्ड है। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा 30 मिनट। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होता है एली नाम की एक कैरेक्टर से। इस मूवी में एली सुन नहीं सकती थी एक एक्सीडेंट के कारण। तो दोस्तों, मूवी में दिखाया गया कि चामगदड़ जैसा बहुत अजीब क्रिएचर जो सब लोगों को मार के खा रहा है। मूवी में एली इन क्रिएचर से कैसे लड़ाई करती है और मूवी में एली कैसे सरवाइव करती है, ये जानने के लिए आप लोग को द साइलेंस देखना पड़ेगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9/10। तो हमारा अगला मूवी का नाम है ट्रेमर्स। ये मूवी हॉरर साइंस फिक्शन पे बेस्ड है। इस मूवी को 1990 में रिलीज किया गया था, लेकिन दोस्तों ये मूवी पुराना है लेकिन बहुत गजब का है। ये मूवी आप लोगों को एक बार देखना ही चाहिए। इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा 36 मिनट। तो मूवी की कहानी शुरू होता है आर्लो और मैकी से। तो मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ अजीब सा मॉन्स्टर जमीन के नीचे रहते हैं और शिकार करने के टाइम वो किसी को भी ऊपर से नीचे खींच लेता है और आर्लो और मैकी उन मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाता है। तो दोस्तों, आर्लो और मैकी कैसे उन मॉन्स्टर को मारता है और वो मॉन्स्टर मूवी में क्या कुछ करता है, ये सब जानने के लिए आप लोगों को ट्रेमर्स देखना पड़ेगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.1/10। तो दोस्तों, हमारा आखिरी मूवी का नाम है द ग्रेट वॉल। ये मूवी एक्शन फैंटेसी पे बेस्ड है। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा 44 मिनट। तो कहानी शुरू होता है चाइना के द ग्रेट वॉल से। तो मूवी में दिखाया गया कि चाइना के राजा के साथ बहुत सारा और बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर लड़ाई करते हैं। तो मूवी में मॉन्स्टर कहाँ से आता है और ये मॉन्स्टर क्या कुछ करता है, ये जानने के लिए आप लोगों को द ग्रेट वॉल देखना पड़ेगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9/10। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।